नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज हम काम करने वाले हैं हिमालयन के अंदर। और हिमालयन के अंदर एक प्रॉब्लम जो हर कोई जानता है, जिसकी वजह से हिमालयन शायद बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन है। तो देखते हैं वो क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हिमालयन के अंदर 90% जो राइडर है परेशान रहते हैं, या जो BS3 मॉडल था उसके अंदर लोग परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर वो चीज़ है क्या जिसकी वजह से लोग परेशान रहते हैं। तो फिलहाल आज जो हम काम करने वाले हैं वो हिमालयन हमारी वाइट कलर की ये रही, इसके अंदर काम करने वाले हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि तुम्हारे भाई ने भी हिमालयन ख़रीद ली है, नंबर देख लो और जल्दी इसके वीडियो भी दिखेंगे। इसके साथ एक राइड प्लान कर रहे हैं हम, राइड रहेगी लद्दाख राइड, और वो भी सोलो। अभी मैं कमिटमेंट तो नहीं करता कि कब जाएंगे, पर जल्दी अभी काम चल रहा है, ज़रा सेटअप वेटअप इसका तैयार करेंगे फिर इसके साथ चलेंगे। और इसके बारे में बात करनी है कि कैसे ली, कब ली, कितने दिन हो गए, तो कमेंट करिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी वापस आते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी में काम करते हैं, ठीक है। ये रही गाड़ी, तो चलिए इसका काम स्टार्ट करते हैं। तो जो काम स्टार्ट करना है इस गाड़ी के अंदर, या सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है इस गाड़ी का, वो इसी कोने के अंदर है, इसी डब्बा। तो सबसे पहले इसका ही डब्बा खोलना पड़ेगा हमें, और देखते हैं कि डब्बे के अंदर क्या डब्बा निकलता है। और चलिए खोल लेते हैं जल्दी से। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है क्या। जितने भी BS4 मॉडल और BS3 मॉडल के हैं, उनके अंदर कुछ चेंज किए रखे हैं। सबसे पहले जो इस इंजन BS3 इंजन था, उसके अंदर जो था अल्टरनेटर फूक जा रहा था, इस टाइप की एक प्रॉब्लम है। और वो ही जो सेम प्रॉब्लम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम इसके अंदर है। उसी चीज़ को मद्देनज़र लेते हुए इस गाड़ी की चार्जिंग नहीं हो रही थी, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। जब तक बैटरी चार्ज थी जब तक काम चल रहा है, उसके बाद बैटरी डाउन, गाड़ी भूस। तो हमने सीधे से एक बॉक्स मंगा रखा है, उम्मीद है कि वही ख़राब होगा, और देखते हैं क्या। उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाते हैं। अब देखिए, हमें अगर इसका अल्टरनेटर बाहर निकालना है तो हमें ये कपलर बाहर खोलना पड़ता है, और ये कपलर इतना कॉम्प्लिकेटेड है या इतना डिफिकल्ट है कि समझ में नहीं आएगा कैसे निकलेगा बाहर। तो इसके लिए निकालने के लिए सिंपल तरीका है, इसका ये सॉकेट को दबाना है और हल्का सा पेचकस लगा के इसको ऊपर उठाना है। देखिए इस तरीके से ऊपर उठाएंगे और इसको बाहर को खींचना है। ये ऊपर उठता रहेगा, सॉकेट ऑटोमेटिक बाहर को निकल जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, और है उतना भी डिफ़िकल्ट। अगर आप समझ गए तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब इसको बाहर निकाल लेते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब इसको बाहर निकालते समय हमें जो धैर्य रखना है कि पैकिंग खराब ना हो जाए, और दूसरी चीज है कि इसके अंदर ये गरारियां दिखेंगे आपको। ये गरारियां अगर गिर जाती हैं तो हो सकता है कि समझ में ना आएगी कैसे लगाना है। फिलहाल हमें काम करना है इसके अंदर। तो गाड़ी के अंदर तो फिलहाल कुछ नहीं है, गाड़ी के अंदर काम नहीं, सिर्फ इसके अंदर कुछ नहीं है। देखिए कि जिसके ऊपर काम करना है, जिसके अंदर काम करना है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इसको खोलते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रखी है। तो जस्ट अभी मैंने इस डब्बे को खोल रखा है, और यहाँ पर आप ये हिस्सा देखेंगे कि ब्लैक हो गया है। इवन क्या ये कॉइल इसकी फूक गई है, जल के बिल्कुल ब्लैक हो गई है। एक बार मैं इसको पूरा बाहर निकालता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और जो हमारे पास नया पार्ट आया है उसके अंदर इसमें क्या डिफरेंट है ये भी बात करेंगे। अब इसके हमने सारे पेज खोल दें, तीन पेज यहाँ पे लगते हैं, 1, 2, 3, और 2 यहाँ पर लगते हैं। अब इसके बाद इसको निकाल देंगे आराम से। अब आप ध्यान से देखिए कि कॉइल आपको यहाँ से जल हुई नज़र आएगी। ये हिस्सा देखिए, 1, 2, और देखिए इधर साइड का जला नहीं है,
तो पूरा रेड टाइप का नज़र आ रहा है ना। और यहाँ देखिए जल के ये मेरे साथ 2-3 कॉइल जल चुकी हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं जो हमारे पास नई कॉइल या नया डब्बा आ रखा है, आखिर देखते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है। अब कंपनी कहती है कि जो BS3 था उसके सभी गाड़ियों के अंदर ये चीज चेंज कर दिया गया है। पता नहीं, मेरे को तो लग नहीं रहा ऐसा कुछ। शायद इसके जो वायर है ना, हाँ ये देखिए यहाँ से जल लगी पूरी। और ये रही हमारी नई वाली। चलिए इसको फिट करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद इसमें क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आता नहीं आता है। पर जिसके पास हिमालयन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम पक्का है। अच्छा, अब एक फाइनल जो मतलब जो मेरे को लगता है यार कि इस गाड़ी के अंदर जो रीज़न है या अल्टरनेटर फूकने का जो मेन कारण है, एक तो 400 cc का गाड़ी का इंजन है, 400 cc का इंजन है और जो हीट होती है सब जानते हैं जो चलाता होगा राइडर कि हिमालयन बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और ये गया इसके अंदर, अब ये इसके अंदर चलेगा, कहीं कोई जगह नहीं है, पैक हो जाएगा। जब ये हीट होगी तो कहीं पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से ये निकल के ऑयल अंदर आए, कहीं भी ऐसा कोई सुराग नज़र नहीं आ रहा कि उधर से या हवा आए, जो भी कह सकते हैं, या उसके साथ ऑयल आए जिससे ये कॉइल थोड़ी ठंडी हो सके। देखिए, और ये बाहर से कवर लग जाएगा, बाहर से कवर लग गया, बिल्कुल सील पैक हो गया। या ऊपर साइड से यहाँ से कहीं छेद दे देने चाहिए थे, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है, गर्म होता है, कॉइल है, मामूली सी बात है, जलनी जलनी है। मेरे को तो जो मेन रीज़न लगता है, चलिए एक बार इसको फिट कर लेते हैं। ये लगा दिए हमने नई कॉइल, अब इसको फिट करते हैं, देखते हैं चार्जिंग हो रही है या नहीं। तो अभी फिट कर दिया है फिलहाल इसके अंदर। देखिए अभी सेल्फ स्टार्ट लेने पर कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब बैटरी डाउन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको गियर में स्टार्ट करके कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बैटरी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। तो साथ में देखते हैं कोई किक तो है नहीं इसके अंदर। बैटरी हमारी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है, अब क्या सेल्फ से स्टार्ट हो पाएगी? तो बिल्कुल डेफिनेटली बैटरी चार्जर काम करना चालू कर दिया है, या कहेंगे उसका अल्टरनेटर स्टार्ट वो काम करने लगा है। अच्छा, ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था कि ज़्यादातर लोग VS3 की गाड़ी को लेके, जो हिमालयन VS3 थी उसको लेके परेशान थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी एक VS3 हिमालयन ले लूँ। और ये रही मेरी हिमालयन। तो जल्दी आपको इसके ऊपर वीडियो मिलेंगे और हर एक वो कमी पूरा इंजन खोल के देखेंगे, हर एक पार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड एडवांस में आपको हैप्पी होली।